स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT Tech Guru Tutor में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज Microsoft Paint के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। MS Paint में आज हम लोग सीखने वाले हैं पेंट को स्टार्ट करना तथा बंद करना, पेंट के इंटरफेस या पेंट विंडो पार्ट्स के बारे में, पेंट को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा रेस्टोर डाउन करना, पेंट को रिसाइज और मूव करना, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना, पेंसिल फिल विद कलर, रबर और कलर पिकर टूल का यूज़ करना, शेप्स का यूज़ करना। तो आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट को MS पेंट या पेंट भी कहा जाता है। यह एक सिंपल ड्राइंग टूल है। इसके द्वारा हम बेसिक डिजाइन, पेंटिंग और लोगो बना सकते हैं और उसे पिक्चर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। MS पेंट विंडो एसेसरीज का एक हिस्सा है और इसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स में शामिल किया जाता है, क्योंकि MS पेंट में अधिकतर काम माउस का होता है और इससे हमें माउस की प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि हमें माउस चलाना अच्छे से आ जाए। अब आइए हम MS पेंट को स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके के बारे में जानते हैं। MS पेंट को स्टार्ट करने का पहला तरीका, आप स्टार्ट मेनू में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम में स्क्रॉल करते हुए आप विंडोज़ एसेसरीज में जाएंगे और वहां पे आपको पेंट मिल जाएगी और उसे क्लिक करके भी चालू कर सकते हैं या फिर उसे स्टार्ट मेनू में पिन भी कर सकते हैं। मैं उसे स्टार्ट मेनू में पिन करके दिखा देता हूँ। आप वापस जाएंगे वहीं विंडो एसेसरीज में और वहां MS पेंट पे राइट क्लिक करके आप इसे पिन टू स्टार्ट ले सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप में क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप ड्रैग कर लेंगे, शॉर्टकट इस तरह से क्रिएट हो जाएगी और शॉर्टकट को कहीं भी प्लेस करके डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। मैं इसे बंद कर लेता हूँ। MS पेंट को स्टार्ट करने का और एक तरीका यह है कि आप सर्च लेकर के इसे चालू कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टार्ट मेनू में ही जाएंगे या तो फिर सर्च विंडो में विंडो एस भी दबा सकते हैं। विंडो एस दबाते ही आपका सर्च विंडो आ जाएगा इस तरह से और यहाँ पे हम लोग पेंट लिखेंगे और ये इंटर करेंगे तो हमारा पेंट चालू हो जाएगी। अब MS पेंट को स्टार्ट करने का एक यूनिवर्सल तरीका यह है कि आप रन कमांड से MS पेंट को चालू कर लें। इसके लिए आपको विंडो आर की दबाना एक साथ और इसे दबाते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा रन। ये आप देख रहे हैं रन का डायलॉग बॉक्स है और रन के डायलॉग बॉक्स में आपको ओपन में लिखना है MS पेंट एक साथ लिखना है और ओके पे क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे MS पेंट स्टार्ट हो जाएगी। मैं लिख लेता हूँ। तो हमने MS पेंट लिख लिया है और ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा MS पेंट चालू हो जाएगी इस तरह से। अब आइए MS पेंट विंडो के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। MS पेंट विंडो इंटरफेस में सबसे ऊपर हमें टाइटल बार मिल जाती है। टाइटल बार वह जगह होती है जहाँ हमें प्रोग्राम का नाम और फाइल सेव किया है कि नहीं इसका पता चलता है। टाइटल बार के बाएं तरफ हमें क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाती है जहां से हम जल्दी से कोई काम को कर सकते हैं और उसके दाएं तरफ अगर देखें तो यहां हमें कंट्रोल बटन मिल जाती है और टाइटल बार के नीचे अगर देखें तो हमें दो टैब मिलते हैं, यहाँ पे होम टैब और व्यू टैब मिल जाती है और उसके बगल में अगर देखें तो यहाँ पे हमें फाइल मेन्यू मिल जाती है। ये मेन्यू के फॉर्म में खुल रही है इसलिए इसे हम लोग मेन्यू कहेंगे। फाइल मेन्यू से आप न्यू, ओपन, सेव, सेवर्स, प्रिंट वगैरह ले सकते हैं। होम टैब और व्यू टैब में आपको रिबन भी दिखाई देता है। ये पूरा आप एरिया जो देख रहे हैं वो रिबन का एरिया कहलाता है। रिबन भी ग्रुप में बटा होता है, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है जहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह ले सकते हैं। ये इमेज ग्रुप है, यहाँ से सेलेक्ट, रिसाइज वगैरह ले सकते हैं। ये टूल्स है जहाँ से फिल, कलर वगैरह ले सकते हैं। ये शेप्स ग्रुप है जहाँ से अपने अलग अलग तरह के शेप बना सकते हैं। यहाँ पे कलर ग्रुप्स है, ये आप यहाँ से कलर ले सकते हैं अपने ड्राइंग में जो भी आप कलर चाहते हैं और इसे हम लोग कलर पैलेट के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से व्यू में जाएंगे तो यहाँ भी जूम ग्रुप है और जूम ग्रुप में जूम इन, जूम आउट वगैरह कर सकते हैं। शो और हाइड ग्रुप है जहाँ से आप छिपा और ला सकते हैं स्टेटस बार वगैरह को। यहाँ पे डिस्प्ले ग्रुप है जहाँ से फुल स्क्रीन वगैरह और थंबनेल व्यू वगैरह कर सकते हैं। अब ये जो पूरा एरिया देख पा रहे हैं, पूरा एरिया कैनवास एरिया कहलाता है। आप इसे पेज भी कह सकते हो या ड्राइंग एरिया कह सकते हो या वर्किंग एरिया कह सकते हो। और इसके दाहिने तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार मिल जाती है जिससे आप अपने ड्राइंग एरिया को यहाँ पे देख सको, अगर बड़ा ड्राइंग एरिया है तो। यहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी मिल जाता है, इससे भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं अगर आपका ड्राइंग एरिया बड़ा है या पेज बड़ा है तो उसे आप देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे अगर देखें तो यहाँ हमें स्टेटस बार मिल जाती है। स्टेटस बार के दाहिने तरफ हमें जूम बार मिल जाती है या फिर जूम स्लाइडर भी मिल जाती है। यहाँ से हम अपने ड्राइंग एरिया को जूम इन और जूम आउट वगैरह कर सकते हैं। अब आइए हम MS पेंट को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रेस्टोर करके देख लेते हैं।
मिनिमाइज के लिए हमें यहाँ कंट्रोल बटन में मिल जाती है सबसे पहला मिनिमाइज, अगर इसे करते हैं तो आपका जो MS Paint विंडो है वो टास्क बार में छिप जाएगी, और दोबारा अगर इसे लाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके दोबारा ला सकते हैं, इस MS Paint के आइकन पर क्लिक करके ला सकते हैं। टास्क बार का एरिया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया कहलाता है, आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं उसमें भी मैंने बताया है। तो चलिए हम दोबारा MS Paint को शो कर लेते हैं, इसे क्लिक करते ही ये रेस्टोर मोड में वापस आ जाएगी, यानी कि जितना बड़ा पेंट विंडो था उतना बड़ा वापस आ जाएगी। अगर आप MS Paint विंडो को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैक्सिमाइज बटन का यूज़ करेंगे, इससे आपका MS Paint विंडो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। दोबारा अगर उसी तरह लाना है रिस्टोर डाउन करेंगे, दोबारा वहीं पर अगर जाएंगे तो रिस्टोर डाउन आएगी और इससे रेस्टोर डाउन मोड में आ जाएगा। और उसके बगल में है क्लोज बटन, क्लोज बटन का यूज़ आपको पता होगा MS Paint को बंद करने के लिए कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो फाइल मेन्यू में एग्जिट करके भी आप इसे MS Paint को बंद कर सकते हैं। मैं दोबारा बंद कर लेता हूं, एक बार दिखा देता हूं। अब मैं शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके दोबारा MS Paint को ओपन कर लेता हूं। MS Paint में अब हम मूव और रिसाइज करने के बारे में जानेंगे। MS Paint को मूव करने के लिए इसके टाइटल बार में लेफ्ट क्लिक करके इधर उधर खींचना है, तो इस तरह से ये MS Paint विंडो मूव हो जाएगी। और अगर इसे रिसाइज करना है तो इसके कोई भी कॉर्नर या फिर साइड में जाएंगे और क्लिक करके खींचेंगे तो ये रिसाइज हो जाएगी। जैसे कॉर्नर पे मैं गया और ये रिसाइज हो रही है, इस तरह से लेफ़्ट क्लिक करके खींचना है। और अगर साइड में जाएंगे तो साइड से भी ये काम हम कर सकते हैं, तो इस तरह से मूव और रिसाइज कर सकते हैं। कोई भी कॉर्नर या कोई भी साइड में जाएंगे तो ये मूव और रिसाइज कर पाएंगे। अब आइए हम MS Paint में क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करने के बारे में जानते हैं। MS Paint के क्विक एक्सेस टूल बार के बगल में अगर देखें तो MS Paint कंट्रोल बटन भी मिल जाती है, यहाँ से भी मूव, रिसाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और MS Paint को क्लोज भी कर सकते हो। MS Paint को क्लोज करने के लिए Alt F4 भी कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको एक एरो मिलेगा, ड्रॉपर भी हम लोग इसे कहेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, ओपन, जैसे कि न्यू का ऑप्शन हमें जोड़ना है तो यहाँ पे इस तरह से जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो ओपन का भी ऑप्शन जोड़ सकते हैं, और हटाना है तो सिंपल यहाँ से वापस क्लिक करके हटा भी सकते हैं इस तरह से। तो कोई भी आप ऑप्शन यहाँ पे जोड़ सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू हो, प्रिंट हो, सेंड इन ईमेल हो, अनडू को हटा सकते हैं, जैसे रीडू को हटा सकते हैं, जैसे मैं अभी अनडू या रीडू को हटा के दिखाता हूँ। रीडू ये रहा, हट गई है, वापस लाना तो दोबारा ला सकते हैं। इसी तरह से आप चाहे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है, सो बिलो द रिबन, अगर आप रिबन का नीचे इसे लाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखिए वहाँ से उठ करके यहाँ पे आ चुकी है ये क्विक एक्सेस टूल बार। आप दोबारा इसे ड्रॉपर में क्लिक करके सो द अबव रिबन को करेंगे तो दोबारा वापस उसी जगह पर आ जाएगी। इसके बाद आप रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगी, वापस अगर मैक्सिमाइज करना है तो वापस मैक्सिमाइज भी कर लेंगे रिबन को। आप मिनिमाइज को यहाँ से भी कर सकते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। आप मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल F1 का भी यूज़ ले सकते हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल F1, इससे भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज रिबन हो जाती है। अब आइए हम टूल्स का यूज़ करके देखते हैं। टूल्स में सबसे पहले पेंसिल टूल मिल जाती है, पेंसिल टूल लेकर के आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके खींचना है जिससे कि पेंसिल हमारा यूज़ होगी। आप पेंसिल का साइज में जाके साइज बदल सकते हैं, जैसे हमने सबसे बड़ा साइज लिया तो ये पेंसिल सबसे बड़ा साइज में आ चुकी है। पेंसिल का कलर भी बदल सकते हैं, आप कोई भी कलर में जाके लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो कलर पेंसिल का हो जाएगी। इसी तरह से मैं रेड ले लेता हूँ तो रेड पेंसिल, तो कोई भी कलर ले सकते हैं पेंसिल में। यहाँ पर आपको कलर 1 और कलर 2 दो कलर मिल जाते हैं, पहला कलर है फोरग्राउंड कलर, दूसरा कलर है बैकग्राउंड कलर। अगर आप पेंसिल में लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये फॉरग्राउंड कलर यूज़ होगी, और अगर राइट क्लिक यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड कलर होगी यूज़। मैं अभी बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेता हूं, तो बैकग्राउंड कलर को येलो कर लेता हूं, ये देखिए येलो, या कोई दूसरा कलर है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं ये। तो इस तरह से लेफ़्ट क्लिक से रेड और राइट क्लिक से ब्लू, यानी कि बैकग्राउंड कलर और फॉरग्राउंड कलर वर्क होगी। अब मैं इसे मिटा लेता हूँ, मिटाने के लिए इरेजर टूल का यूज़ करेंगे। इरेजर टूल लेने के बाद आप इसे मिटा सकते हैं, लेकिन इरेजर बहुत ही छोटा है, मैं इरेजर का साइज बड़ा कर लेता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे साइज में जाएंगे, इरेजर सबसे बड़ा लेंगे, लेकिन इरेजर का कलर यहाँ पे ब्लू आ रही है और इरेजर फिर भी बड़ा उतना नहीं लग रहा, तो इसे मैं कैसे बड़ा करता हूँ और इसका इरेजर
ब्लू में है। अगर मैं मिटाऊँ तो यहाँ पर इरेजर मिटेगी नहीं, जबकि ब्लू कलर यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड कलर जो भी रहेगा वो इरेजर कलर होता है। तो मैं बैकग्राउंड कलर लेकर के बदल लेता हूँ, ये वाइट हो चुकी है, अब इरेजर मिट जाएगी। लेकिन इरेजर का साइज बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इरेजर को बड़ा करने के लिए, ये देखिए इरेजर, और छोटा करना तो कंट्रोल माइनस। तो इस तरह से इरेजर को बड़ा आप छोटा कर सकते हो। सेम ये काम अब अगर पेंसिल में करते हो, जैसे पेंसिल हमारे पास अभी सबसे बड़ा ये है, लेकिन पेंसिल फिर भी इससे बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस, तो देखिए पेंसिल भी बड़ा साइज में आ चुकी है। तो पेंसिल हो या इरेजर, तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस करके किसी का भी साइज बड़ा या छोटा ले सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट करने के लिए और एक तरीका बता देता हूँ, आप मिटा भी सकते हैं या फिर कंट्रोल ए डिलीट, सेलेक्ट ऑल डिलीट कर सकते हैं। आप इमेज में जाएंगे, इमेज ग्रुप में यहाँ सेलेक्ट ऑल मिल जाएगी ये, और डिलीट करने के लिए वहीं पे वापस जाएंगे और डिलीट ऑप्शन लेंगे, या फिर कीबोर्ड में सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए और डिलीट के लिए डिलीट की यूज़ करेंगे। तो हमने डिलीट कर लिया, अब हम लोग फिल टूल का यूज़ करके देखते हैं, फिल विथ कलर इसे हम लोग कहते हैं या फिल टूल भी कहेंगे। फिल विथ कलर का यूज़ किसी शेप में रंग भरने के लिए करेंगे। फिल विथ कलर यहाँ पे यूज़ करने से पहले हमें शेप के बारे में पहले जानना है। तो शेप पहले मैं कुछ बना लेता हूँ, जैसे मैं शेप में पहला लेता हूँ राउंड, जैसे मैं शेप में पहला लेता हूँ रेक्टेंगल टूल, और रेक्टेंगल अभी मैं बना लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास रेक्टेंगल बन चुकी है, लेफ्ट क्लिक करके खींचना है रेक्टेंगल बन जाएगी। क्योंकि कलर वन रेड थी इसीलिए रेक्टेंगल भी रेड कलर में बना, कलर वन को मैं चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ तो ये ब्लैक कलर में आपका रेक्टेंगल हो जाएगी। अभी इसलिए हो पाया क्योंकि अभी पूरी तरह से रेक्टेंगल बना नहीं है, आप इसके बीच में कहीं भी इस रेक्टेंगल को मूव कर सकते हैं इधर उधर, या तो फिर इसके कॉर्नर में जाके रेक्टेंगल का साइज भी बदल सकते हैं, या इसके साइड में भी जाके रेक्टेंगल को आप बदलाव कर सकते हैं। अगर आप इसे कंप्लीट बनाना चाहते हैं तो बाहर में क्लिक करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट शेप बन चुकी है। इसी तरह से आप ओवल शेप भी बना सकते हैं, ये इस तरह से ओवल ये देख रहे हैं, और इसमें भी वही बदलाव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं कॉर्नर से, साइड से और बीच से मूव कर सकते हैं, और बाहर क्लिक करें तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। आप रेक्टेंगल या ओवल जब भी बनाएंगे तो शिफ्ट का यूज़ अगर लेंगे, जैसे कि मैं ओवल बना रहा हूँ और शिफ्ट के साथ बना रहा हूँ, तो ये देखिए सर्कल की तरह वर्क होगी ये। आप इसका साइज भी बदलाव कर सकते हैं, यहाँ से सबसे छोटा, बड़ा, इससे भी बड़ा और सबसे बड़ा। अगर आपको इससे भी बड़ा अगर साइज लेना है तो कंट्रोल प्लस सेम कंट्रोल प्लस करके भी आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमने कंट्रोल प्लस किया और इसका साइज बढ़ा लिया। अगर कलर बदलना है तो कोई भी कलर में आप लेंगे तो कलर भी बदल जाएगा इस तरह से, और बाहर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो शिफ्ट का यूज़ करके हम लोग इसका हाइट और विड्थ को मेंटेनेंस यानी कि एक बराबर रख सकते हैं। इसी प्रकार मैं राउंडेड रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ, शिफ्ट के साथ अगर बनाते हैं तो ये देखिए, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है इसका लाइन, तो मैं छोटा कर लेता हूँ, ये हो चुकी है, कलर भी बदल लेता हूँ ये। तो इस तरह से शिफ्ट के साथ यूज़ करके आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं, और बिना शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये था आपका शेप इस तरह से यूज़ करने का तरीका। अब शेप में फिल करते हैं, फिल करने के लिए हम फिल विथ कलर लेंगे और येलो कलर में लेता हूँ पहला कलर येलो। किसी शेप के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से फिल हो जाएगी। मैंने येलो कलर लेकर के फिल किया तो ये देखिए लेफ्ट क्लिक किया तो फिल हो चुकी है। अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये वाइट हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड कलर राइट क्लिक के लिए काम करता है जो कि बैकग्राउंड कलर होता है, और फर्स्ट कलर लेफ्ट क्लिक के लिए काम करता है जो कि फॉरग्राउंड कलर होता है। अब मैं सेकेंड कलर को ब्लू कर लेता हूँ और फर्स्ट कलर येलो। अब मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये येलो और राइट क्लिक करूँगा तो ब्लू। इसी तरह से यहाँ भी देखिए आप, तो एक साथ आप दो कलर का यूज़ कर सकते हैं फिल करने के लिए। जैसे मैं अब इसमें करता हूँ येलो, येलो के लिए लेफ्ट क्लिक, तो इस तरह आप फिल का यूज़ लेंगे। अब मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं एक नया फाइल ही ले लेता हूँ, फाइल न्यू डोंट सेव। तो ये हमारे पास इस तरह से एक नया फाइल आ जाएगी फ्रेश वाइट पेज के साथ, और हमारा कलर भी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किस प्रकार से फिल विथ कलर का यूज़ करते हैं।
अब हम लोग कलर पिकर टूल का यूज़ करके देखते हैं। तो मैं कुछ शेप बना लेता हूँ और उसमें रंग भर लेता हूँ। तो हमने कुछ शेप बना लिया और उसमें हमने फिल कलर भर लिया है। अब मैं पिक कलर या कलर पिकर टूल का यूज़ करके बताता हूँ। तो इसे पिक कलर भी कहते हैं या कलर पिकर टूल भी कहते हैं या आई ड्रॉपर टूल भी कहते हैं। तो मैं इसे लेता हूँ और जैसे कि हमारे पास अभी फर्स्ट कलर रेड कलर है, मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। ये देखिए फर्स्ट कलर हमारे पास क्या आ गया, येलो, क्योंकि हमने इस कलर को उठा लिया है यहाँ पे। अब मैं फिल कलर लेकर के कहीं भी फिल कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें ये देखिए येलो फिल हो चुकी है। मैं इस कलर को उठाना चाहता हूँ तो कलर पिकर टूल लेकर के इसको ले लेता हूँ, ये रहा, और इसमें भरना है तो ये भर लिए। इसी तरह से मैं इसको उठाना चाहता हूँ तो ये कलर पिकर टूल और इसमें ले लिया, और इसमें भरना है तो ये भर लिया इस तरह से। तो कलर पिकर टूल आप कहीं भी उठा सकते हैं और कहीं भी भर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कलर पिकर टूल का भी यूज़ देख लिया। आप कलर पिकर से सेकेंड कलर को भी बदल सकते हैं, यानी कि सेकेंड कलर को भी उठा ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कलर में राइट क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं अभी सेकेंड कलर लेता हूँ ये ब्लू, तो ब्लू पे राइट क्लिक करूँगा। ये देखिए सेकेंड कलर ब्लू आ चुकी है, और अगर इस पर फिल करना तो इस पर राइट क्लिक करूँगा, ये देखिए फिल हो चुकी है ब्लू। तो इस तरह से आप कोई भी कलर को ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी कलर को उठा सकते हैं कहीं से भी और कहीं पर भी फिल कर सकते हैं। अब दोबारा मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए डिलीट। अब देखिए मैंने डिलीट किया तो ये ब्लू कलर आ चुकी है, क्योंकि हमारा सेकेंड कलर क्या था, ब्लू था। मैं इसे वाइट करके दोबारा डिलीट कर लेता हूँ। अब हमारे पास वाइट बैकग्राउंड के साथ आ चुकी है। अब मैं शेप्स में लाइंस का यूज़ दिखा देता हूँ। अगर आप लाइन टूल लेते हैं तो आप क्लिक करके लाइन बना सकते हैं, और उस लाइन को सीधा वगैरह करना है तो शिफ्ट के साथ यूज़ लेंगे तो ये लाइन सीधी आकार में बनेगी और 45 डिग्री के एंगल में बनेगी। ये इस तरह से आप बना सकते हैं लाइन। आप लाइन के बगल में देखें तो कर्व मिलता है, कर्व से भी इस तरह यूज़ ले सकते हैं ये। अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो उसी प्रकार कर्व बनेगी, और आप कर्व को दो बार मोड़ सकते हैं। एक बार मैं क्लिक करके खींचा, एक बार और खींचा, ये देखिए दो बार मोड़ लेंगे। अब ये कर्व बन चुकी है, तो यहाँ देखिए आप इसे मूव भी कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं कर्व को। बाहर क्लिक करेंगे तो ये कर्व कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं और एक कर्व बना लेता हूँ, ये हमने शिफ्ट के साथ खींचा सीधी लाइन। अब मैं इसे दो बार मोड़ता हूँ, इधर से इधर से। तो इस तरह से आप कर्व को मोड़ सकते हैं दो बार, किधर भी, इधर या उधर। बाहर क्लिक करता हूँ तो ये कर्व हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद इसी तरह से शेप में आपको यहाँ पे पॉलीगन शेप मिलता है। अगर पॉलीगन शेप लेते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके खींचेंगे, और फिर दूसरे जगह जब क्लिक करके खींचते हैं तो वहाँ से ये लॉक हो जाएगी, यानी कि जब तक आप इसको क्लिक करते हैं ये बनते जाएगी, और आखिरी पॉइंट में अगर जाके लॉक करते हैं तो ये कंप्लीट शेप हो जाएगा, और ये इसको मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, और बाहर क्लिक करेंगे तो ये रह जाएगी। तो इस तरह से आप शेप का यूज़ ले सकते हैं। मैं इसे डिलीट करके और दोबारा कोई शेप के बारे में बता देता हूँ। हमने डील कर लिया, मैं दोबारा कोई शेप बना देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल आउट शेप लेता हूँ। तो ये देखिए कॉल आउट बना सकते हैं। कलर बदलना है तो कोई भी कलर में आप क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, लेकिन कलर वन ध्यान रखना है, तो कलर बदल जाएगी। मैं हार्ट का शेप बना लेता हूँ ये इस तरह से, और अगर फिल करना तो फिल कलर लेंगे और इस तरह से फिल भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, स्टार वगैरह भी हो तो बना सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी शेप का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने पेंसिल, फिल विद कलर, रबर और कलर पिकर टूल का यूज़ किया। अब अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।